आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। डीजीपी और एडीजीपी पहुंचे मौके पर, हमले के बाद पैदा हालातों का ले रहे जायजा। आतंकी हमले के बाद आईबी पर बढ़ी सुरक्षा। घुसपैठ को रोकने के लिए और ज्यादा इंतजाम। जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी बढ़ाई गई चौकसी। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगातार लग रहे नारे। सैनिकों की शहादत को लेकर हो रहे प्रदर्शन। जम्मू सहित कई अन्य इलाकों में गुस्से में लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे जिला कठुआ में मछेड़ी के बदनोता इलाके में सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले के बाद वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को ढूंढ निकाल कर मार गिराने के लिए सुरक्षा बल यहाँ पर जुटे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आरआर स्वैन और वहीं पर एडीजीपी आनंद जैन भी मौके पर पहुंचे। इस हवाले से मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ है उस पर आपको जानकारी देंगे। लेकिन जिस तरीके से जिला कठुआ की बात करें तो कल यहाँ पर आर्मी के कॉन्वॉय पर एक अटैक होता है ग्रेनेड और वहीं पर अंधाधुंध फायरिंग जो है वो कॉन्वॉय पर की जाती है, जिसमें 5 हमारे जो जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और 5 जवान यहाँ पर इंजर्ड है जिनका इलाज यहाँ पर जारी है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, अभी की क्या कुछ सूरत हाल है, यहाँ पर फ्रेश अपडेट दीजिएगा। शिपन, कल जो हमला आतंकियों द्वारा एक सैन्य वाहन पर किया गया मछेदी के इलाके में, मछेदी के आगे बदनोता गांव के अंदर, और वहां पर 5 जवान जो शहीद हुए और 5 घायल हुए हैं, उसके बाद से पूरे इलाके को घेर कर वहां पर तलाशी अभियान व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान लगातार इस इलाके को खंगालने का काम कर रहे हैं। और शिपन, मैं बताऊं कि आज सुबह की जो घटना हुई है उसके मुताबिक तलाशी अभियान तो शुरू हुआ ही 5 बजे से और लगातार, और अभी की खबर है कि मछेड़ी इलाके में डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के आरआर स्वैन, एडीजीपी आनंद जैन के अलावा अन्य बड़े पुलिस अधिकारियों ने वहां का इलाके का दौरा करना शुरू कर दिया है। अभी थोड़ी देर पहले वो मछेड़ी में पहुंचे थे और अब बदनोता की तरफ जहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ उस साइड पर की तरफ जा रहे हैं और लगता है कि वहां पर एक बड़े पैमाने पर संयुक्त रूप से पैरामिलिट्री फोर्सेज, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगातार इन आतंकियों को जो हमले के बाद से जंगलों की तरफ आ गए थे उनको अभ्यास करेंगे। और इस खबर के बाद पूरे जम्मू कश्मीर बात करूँ तो लोग काफी गुस्से में है, बात करूँ तो यहाँ भी काफी गुस्से में है। लोगों ने जगह जगह पर पाकिस्तान के चलाए हैं और उनको झंडा भी चलाया है। और अमरनाथ यात्रा का मौसम है तो इस वक्त अमरनाथ यात्रा लगातार चल रही है, तो हाईवे की सुरक्षा लखनपुर से लेकर पूरे श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम तक की जो हाईवे की सुरक्षा उसको एक बार फिर से कड़ा कर दिया गया है। ठीक है, जाना चाहूंगे जिस तरीके से आपने अपडेट किया कि एडीजीपी वहां पर पहुंचे हैं, डीजीपी आरआर स्वैन भी, उनके द्वारा भी मौके का निरीक्षण, यहां पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है, कितना अहम ये दौरा रह सकता है? और वहीं पर ये भी बताएगा कि सेना के जो जवान है वो किस तरीके से मुस्तैदी से वहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की अगर टोपोग्राफी की बात करें तो डेंस फॉरेस्ट एरिया है, किस तरीके से ड्रोन के माध्यम से इन छुपे हुए आतंकियों की तलाश की जा रही है। देखिए शिपन, इलाके की बात करूँ तो टेरेन बहुत ही टफ है और यहाँ पर आतंकियों को जंगलों में ढूंढना भी बड़ी चुनौती का काम है, तो इसको लेकर सेना के जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जितना भी टेक्निकल इक्विपमेंट है उसको लेकर गए हैं और ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से उनको ढूंढा जा रहा है। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। उधमपुर जिला की बाउंड्री से लेकर डोडा भद्रवाह की जितनी भी सीमाएं हैं उस इलाके में भी ये सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है आज सुबह से ही। और अतिरिक्त जो पुलिस बल है, जहाँ सुरक्षा बल है, वो उस इलाके में भी भेजे गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे इन आतंकियों को ढूंढना अपने लिए सेना के लिए चुनौती है और जल्दी से उनको ढूंढकर न्यूट्रलाइज करते हैं। रंजीव, यहाँ पर जानना चाहूंगी कितने आतंकियों की छुपे होने की आशंका इस डेंस फॉरेस्ट एरिया में जताई जा रही है। देखिए, जिन्होंने हमला किया शिपन, मैं बताऊं कि जिन लोगों ने
इन आतंकियों ने इस सैन्य वाहन को निशाना बनाकर हमला किया, ग्रेनेड से हमला किया, फायरिंग की। तो लगता है कि 3 से 4 आतंकियों का ग्रुप हो सकता है जो जिन्होंने हमला किया, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जो है सामने नहीं आया है। जैसे जी आधिकारिक बयान आएगा तो इसकी पुष्टि हो जाएगी कितने लोग थे, कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि जो भी अभी तक खबरें चल रही थी मौके से वो सूत्रों के हवाले से ही चल रही थी। स्थानीय लोग जो जिन्होंने वहां पे देखा है, क्योंकि मीडिया को भी आज सुबह ही वहां पर घटनास्थल पर जाने दिया है, लेकिन पहले कल शाम तक तो किसी को वो उस इलाके में जाने की इजाजत थी, और इसके चलते अभी जैसे ही ठीक है अधिकारी कोई रंजीव, बयान बहुत बहुत जारी शुक्रिया होगा। तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता यहाँ पर कठुआ के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि लगातार सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है, क्योंकि कल यहाँ पर आर्मी के कॉन्वॉय पर एक हमला होता है जिसमें कि 5 जवान यहाँ पर शहीद हो जाते हैं और 5 अन्य यहाँ पर घायल है। यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहाँ पर की मारा गया लश्करे तैयबा का आतंकी यहाँ पर कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने मौत के घाट उसे उतारा है। हाफिज सईद का बेहद करीबी था काजी अब्दुल कयूम। बड़ी खबर अभी तक की यहाँ पर मौत से लश्करे तैयबा को बड़ा झटका लगा है और यहाँ पर करीबी बताया जा रहा है। बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मारा गया जो लश्करे तैयबा का आतंकी काजी अब्दुल कयूम काफी जो करीबी है वो यहाँ पर बताया जा रहा है और कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे मौत के घाट उतार दिया है। हाफिज सईद का बेहद करीबी काजी अब्दुल कयूम बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको गुलिस्तान न्यूज के माध्यम से साझा कर रहे हैं और मौत से लश्करे तैयबा आतंकी संगठन को एक बड़ा झटका लगा है, एक मेजर सेटबैक यहाँ पर मिला है। तो इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जहां पर की मछेड़ी के बदनोता में आतंकी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा कर दिया गया है। खास तौर पर इन जगहों पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है जहां पर की घुसपैठ की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा कर दिया गया है जहां पर कल एक हादसा पेश आया, एक अटैक यहां पर कठुआ के एक इलाके में देखने को मिला, जिसके बाद की अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH-44 या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो टाइटन कर दी गई है, सिक्योरिटी ग्रिड को तेज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फिल्ट्रेशन के बिड्स हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए सभी जो बॉर्डर्स हैं उन पर चौकसी बढ़ाई गई है। और वहीं पर अगर नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें तो वहां की भी तस्वीरें हमने आपके सामने रखी थी जहां पर कि हर आने जाने वाले से चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। तो इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, यहाँ पर कल एक हादसा पेश आता है जिसके बाद अब अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें या फिर अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे इलाकों की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्या कुछ जानकारी देंगे? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से कठुआ के लोहाई मलार के जो बदनोता इलाके में आतंकी हमला होता है जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं और 5 जवान जो है वो जख्मी हो जाते हैं, उसी को लेकर लगातार इस इलाके में ऑपरेशन जो है वो सेना की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है, लगातार इन आतंकियों की तलाश की जा रही है। लेकिन उसी के चलते आपको बताते चले कि जिस तरह से ये माना जा सकता है कि ये एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन जो वो हो सकती है, सीमा पार से घुसपैठ की जो अटेम्प्ट है ये हुई है, जिसके चलते अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों में इस समय सिक्योरिटी ग्रिड को भी मजबूत किया गया है और कहीं ना कहीं जो पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट है उनको भी लगातार खंगाला जा रहा है। वहां पर भी चप्पे चप्पे पर जो सर्च ऑपरेशन है ये सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और अगर बात करें नेशनल हाईवे की सिक्योरिटी को लेकर तो जितने भी नेशनल हाईवे पर नाका पॉइंट्स हैं उनको भी एक्टिव मोड पर रखा गया है, अलर्ट कर दिया गया है, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान यहाँ पर जो वो तैनात हो चुके हैं। वैसे भी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है तो यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई खलल वादा ना पड़े उसको लेकर ऑलरेडी नेशनल हाईवे की सिक्योरिटी को पुख्ता किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से बात करें तो वहां की सिक्योरिटी को भी पुख्ता किया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि जिसमें आधिकारिक बयान क्या कुछ सामने आते हैं, जिस तरह से ये आतंकी हमला यहाँ पर होता है और उसके बाद ये भी ऐसा माना जा रहा है कि ये इन्फिल्ट्रेशन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते हुई है, जो ये घुसपैठ करके आतंकी जो वो आगे की तरफ बढ़े हैं क्रॉस करके ये पूरा एरिया, तो उसको लेकर अब सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता कर दी गई है। नेशनल हाईवे से लेकर बॉर्डर के तमाम जितने भी एडजॉइनिंग रूट्स हैं वहां पर इस समय जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो वो एक्स्ट्रा कर दी गई है। यहां पर अगर बात करें हम अलग अलग जम्मू संभाग के इलाकों की, हमने पिछले दिनों देखा यहाँ पर यासी में हमला हुआ,
डोडा के दो अलग अलग जगहों पर हमला हुआ, हीरानगर में हमला हुआ और कल यहाँ पर कठुआ के एक और इलाके में हमला होता है। 370 के बाद कश्मीर डिवीजन से कहीं ना कहीं जो टेररिज्म है वो जम्मू की ओर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं आप ये सब जानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो हमेशा ही यहाँ कायराना हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता है। 370 को जब हटाया गया तो एक अंदर पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट देखने को मिली, जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उनमें बौखलाहट देखने को मिली और कहीं ना कहीं ये जो आतंकी गतिविधियां ये हमारे जम्मू संभाग में कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ पर आतंकी सक्रिय होते नजर आ रहे, चाहे वो हम पुंछ इलाके की बात करें या फिर कठुआ की बात कर लें या जितने भी जम्मू संभाग के शांत इलाके हैं, इनमें कहीं ना कहीं शांति को भंग करने की कोशिश जो वो इन आतंकियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसको लेकर भी आपने खुद ही सुना होगा कि जिस तरह से कुछ ही दिन पहले डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस RR स्वैन ने एक बड़ा बयान दिया था कि चंद गिने चुने आतंकवादी है जो जम्मू का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको भी बख्शा नहीं जाएगा, इनको भी मौत के घाट उतारा जाएगा, इन्हें भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और सही कहा उन्होंने भी, जिस तरह से 60 से 70 ऐसी एक संख्या बताई गई थी कि जो आतंकी यहाँ पर सक्रिय है जम्मू रीजन के, अगर इन इलाकों की बात करें यहाँ पर काफी ये आतंकी गतिविधियां देखने को मिल रही है, तो उसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी तरह से काम कर रही हैं, सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार जो वो इसमें काम कर रही हैं। अब देखना चाहिए कि कब तक इस तादाद को खत्म किया जा किया जाता है और कब तक हमारे जम्मू का माहौल जो वो शांत होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जम्मू जैसे एरिया को ये जो दहलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, ये चीजें अब जो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसको लेकर पूरी तरह से मोर्चा सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने संभाल लिया है और हम दाद देंगे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो है हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार है और हर चुनौती को स्वीकार करते हुए इस समय आतंकवाद का खात्मा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स की अगर बात करें या फिर अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां पर सिक्योरिटी जो है वो टाइट की गई है, क्योंकि लगातार आतंकवादी हमले यहाँ पर कश्मीर डिवीजन से जितने भी आतंकवादी हमले वो अब जम्मू की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और जम्मू के जो पीसफुल इलाके हैं, पीसफुल एरिया से उनको दहलाने का काम एक बार फिर से किया जा रहा है। तो इसी तरीके की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कायराना हमला किया है। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के मशेडी क्षेत्र में जंगल्स के बीच से गुजरते हुए सेना के एक वाहन को रात के अंधेरे में निशाना बनाया है। इस आतंकी हमले में हमारे जांबाज वीरों ने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनके इस बलिदान को नमन करता है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस कर्तव्य परायणता को नमन करता है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी छिपकर जिन्होंने पीठ पर वार किया है, इनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमारी सेना ने चुन चुन कर पहले भी सफाया किया है और आगे भी इनके हर षड्यंत्र को विफल किया जाएगा। सेना इन आतंकवादियों का सफाया कर रही है। जो जो आतंकवादी कठुआ के इस हमले में शामिल होगा उसका सफाया होगा, कोई बच नहीं पाएगा। ये मानवता के दुश्मन, ये इंसानियत के दुश्मन, ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी, इनका चुन चुन कर सफाया होगा। जो पाप, जो अपराध इन्होंने किया है, ये अक्षम्य अपराध है, इसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान हमारे साथ 3 जंग लड़ चुका है लेकिन कभी जीत नहीं पाया। इस गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से या छदम जो युद्ध है इसके माध्यम से कभी कभी वो कामयाब हो जाता है। जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए हमारे जवानों ने जान पर खेल करके मातृभूमि की रक्षा की है और लगातार
ऑपरेशन जारी है, लगता है कि वो सभी मार गिराए जाएंगे। पिछले दिनों में डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी कहा था कि कुछ 110 आतंकी जो कि विदेशी मूल के हैं यहाँ पर सक्रिय है, बॉर्डर से आकर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार का प्रहार होना चिंता का विषय तो है ही, लेकिन हमें अपने जवान। जिला कठुआ में सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आम लोगों के अलावा सियासी दल और वहीं पर वकील भी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी भड़ास निकालकर उसे अब करारा सबक से खाने की मांग कर रहे हैं। जहां पर जम्मू में आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अलावा कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर आरएसपुरा भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा, जहां पर आम लोगों ने उसका पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब भारत को सिर्फ पीओके के बारे में नहीं सोचना चाहिए, भारत को अपने बॉर्डर्स एक्सटेंड कर देने चाहिए अफगानिस्तान तक और पाकिस्तान का नक्शा मिटा देना चाहिए इस ग्लोब से, क्योंकि पाकिस्तान जैसे नासूर मेरे को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है जो वहां से हथियार गोला बारूद भेज के और यहां एम्बुश करके घात लगा के अगर वो अटैक करे तो ये कहां की बहादुरी है। पाकिस्तान को हम भारतीय फौज की तरफ से ओपन चैलेंज देते हैं कि आमने सामने की लड़ाई लड़े, दम है तो सामने से आके लड़े। आप छुप के घात लगा के हमला करोगे फिर कहोगे आपने कोई बड़ा कारनामा जान दे दिया। यहां पर शहादत देने के लिए एक एक नागरिक तैयार है, भारतीय फौज हमको लीड कर रही है, हम भारतीय फौज के साथ शाना बशाना चलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। पाकिस्तान पहले भी फेल्ड था, पाकिस्तान आज भी फेल रहेगा और भारतीय सेना इनके इन भेजे हुए नापाक इरादों से, इन कायरों से डरने वाली नहीं। भारत में बहुत ऐसे फौजी हैं जो फौज में भी हैं और जो सिविलियन भी हैं जो इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मजा तब आए कि ये जान जो है ये आमने सामने की लड़ाई में जाए, कि ये हमारे फौजी भाई जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर रहे हैं हमारे लिए, इनकी सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए जाए ताकि ये आए दिन जो हमारी माओं के कोख जो उजड़ रहे हैं, जो बहनों के सुहाग उजड़ रहे हैं उन पे जो रोकदाम लग सके। इसीलिए हम अपनी गवर्नमेंट से, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से ये हम कहना चाहते हैं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के इस पे संज्ञान लीजिए और जो मिलिटेंट है उसकी वारदात जो रोज आए दिन जो बढ़ती जा रही है इनके ऊपर नकेल कसी जाए। अमरनाथ यात्रा पहले भी होती है लेकिन कभी भी ऐसी अमरनाथ यात्रा जो है पूरी पीस 40 दिन से चलती थी 45 दिन, आज उनका दिन घटा के ये इन्होंने एक महीना भी की, ये एक महीना भी यात्रा सही नहीं, सुरक्षा नहीं चला सकते करते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पर सीधा हमला होना चाहिए। पूरे लोग जम्मू कश्मीर के और पूरे हिंदुस्तान के लोग यही चाहते हैं, हमारी यही मांग है, हम कितने का अपने फौजी शहीद कराएंगे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हर बार यही हो रहा है। कश्मीर घाटी में बालटाल और पहलगाम स्थित अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों से लेकर पवित्र गुफा तक भगवान शंकर के जयकारे यहां पर गूंजते नजर आ रहे हैं। दोनों यात्रा मार्गों पर भी उत्सव जैसा माहौल है और हर कोई जम्मू कश्मीर प्रशासन, शिवनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड और वहीं पर लंगर लगाने वाली संस्थाओं की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे। प्रशासन का अमला शिव भक्तों की सेवा में जुटा है और उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जा रही। आप भी देखिए अमरनाथ जी यात्रा पर ये खास रिपोर्ट। बाबा बरसानी जी के दर्शन किए हैं और मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं एंड आई लाइक टू थैंक एलजी साहब, हमारी जेके गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर सर, कि आपने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स यहाँ पे रखे हैं। आज हमने भोले जी के दर्शन किए, हमें बहुत आनंद आया, यहाँ की आरती दर्शन की, सभी ने हमारा बहुत सहयोग किया और यहाँ के श्राइन बोर्ड ने, हेलीपैड की तरफ से, आर्मी ने, यहाँ तक कि हम जहाँ पर रुके हमारे भोले भंडारी जी के लंगर सेवा ने, वहाँ पर तो हमें इतना आनंद आया कि हम किसी को बता भी नहीं सकते। हम सभी को ये कहेंगे जो भी आए भोले भंडारी जी के लंगर पर रुके, आनंद आया।
यहाँ तो हर एक फैसिलिटी मिलेगी, फिर आपकी स्टे की हो, आपकी आपको कैरी करने के लिए लोग मिल जाएंगे यहाँ पे, लंगर हर जगह जगह पे लंगर, आपको खाने का कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे टॉयलेटरीज की फैसिलिटी है, लिटरली हर एक फैसिलिटी है यहाँ पे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सब जो भी हमारे इंडिया में, प्लीज आओ और यहाँ पे दर्शन करें। यहाँ हर एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने, एलजी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर सर ने प्रोवाइड करी हुई है। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं एंड आई होप आप सबके दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। आज हम पूरी फैमिली लेके भोले बाबा का दर्शन करने आए हैं और बहुत अच्छी तरह से हमने दर्शन किया। पूरा बालतल में रुके थे रात को और सुबह चौपर से यहाँ पर आए पंचतरणी, और पंचतरणी से हम यहाँ पर गुफा में आ गए और वहाँ पर आरती भी की। आरती के समय हम पूज गए, बहुत अच्छा आनंद आ गया और गवर्नमेंट एलजी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया गया यहाँ पर। साथ साथ में श्राइन बोर्ड जो है उन्होंने पूरी व्यवस्था रखी है यहाँ पर यात्रियों के लिए, चाहे यात्रियों का आना जाना हो या दूर उनका ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो या उनका टेंट अकोमोडेशन का व्यवस्था हो या जो लंगर फैसिलिटीज है उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पूरे बाबा के चरण में लंगर लगाया। मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारे जेएनके में बहुत अच्छी फैसिलिटीज है और बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, तो मैं जस्ट यही बोलना चाहूंगी प्लीज यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए एंड मे गॉड ब्लेस। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।